क्या नाम है आपका और कौन सी रैंक आपकी आई है, किस सेशन की आई है? जी मेरा नाम अर्णव मिश्रा है और मैं रायबरेली जिले उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और हाल ही में आए यूपीएससी के 2022 के रिजल्ट में मेरी रैंक 56 आई है। अगर आपके घर को आईएएस फैक्ट्री कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहन के बाद आप, और आप आईएएस ही नहीं, इससे पहले आप 21 पीसीएस भी निकाल चुके हैं जी। और माँ, टीचर, पिता, वकील, ये सब कैसे, आईएएस फैक्ट्री कैसे बन गया आपका? देखिए, हम लोग एक जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और हमारे यहाँ मतलब भले ही वो आईएएस का हो या किसी भी चीज़ के लिए रहा हो, लेकिन एक मेहनत करने का जो एक मेहनत पे जो जोर था वो हमेशा से बना हुआ था। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है, मैं मूल रूप से रायबरेली का निवासी हूँ और मेरी स्कूलिंग बाराबंकी से हुई थी। इसके बाद मैंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की कोलकाता से और अभी 4 साल से रायबरेली में था लॉकडाउन के बाद से, और रायबरेली से सिविल सर्विसेज की तैयारी की जिसमें मेरी रैंक 341 आई है। और इस अटेम्प्ट में आपने ये सिविल सर्विस निकाली, कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, ये मेरा पहला प्रयास था, पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे तो 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था। यहाँ तक पहुँचने में क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किन का सहयोग रहा? सबसे बड़ी कठिनाई तो मेरे पापा ही पास्ड अवे, वो 2018 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद फिर फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, नाना जी के यहाँ हम रहते थे और मेरी दीदी ने काफ़ी मार्गदर्शन किया क्योंकि दीदी हमसे आगे थी और पिछले साल उनने भी ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था। तो और फिर बाकी सारी फैमिली, मम्मी, मामा, ताऊ जी, चाचा जी, सब ने। सिस्टर भी लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई थी, उनसे कितना इंस्पिरेशन मिला? काफ़ी हद तक क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि जो उनने मेहनत की, हमको कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ी, जो उनने रास्ता ढूंढने में समय व्यर्थ किया तो उनने सीधा मार्गदर्शन कर दिया, तो उससे काफ़ी सहायता हो गई। रायबरेली में 3 जो होनहार हैं उनका रिजल्ट यूपीएससी में आया था, वो पास हुए और खासकर आपके भाई भी 18वीं रैंक पर आया, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आने के साथ ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का पता चला जिन्होंने सफलता पाई है और हमारे रायबरेली जनपद से भी 3 बच्चों ने इसको पार किया है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। आगे का सफ़र भी एक चैलेंज है, आम जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना और अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना, डटे रहना सच्चाई की और अच्छाई की राह पर, यही मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ। ये एक शुरुआत है, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी और बहुत लगन रही होगी दिल में, जो उन्होंने लक्ष्य साधा, जो मन में इच्छा थी, आज उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है, सफलता मिली है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और इस सफलता में जिनका भी योगदान रहा, उनके माँ बाप का, उनके परिवार का, उन सबको भी बहुत सारी बधाई है और यही कहना चाहूँगी कि आगे बेहतर से बेहतर करते चलें ताकि आम लोगों की दुआ में हमेशा उनका नाम रहे। खासकर आपके भाई उत्कर्ष, खासकर आपके परिवार और आपका क्या सहयोग रहा? मेरे भाई आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम भी साथ में दिया था और हमारे परिवार में क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा था तो बचपन से ये एक तमन्ना रही है कि एक ये सेवा ऐसी है, पब्लिक सर्विस एक ऐसा अवसर देती है जब हम बहुत सारे लोगों के जीवन पर व्यापक स्तर पे कुछ कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, और ये चाहत हमेशा से मेरे और हमारे परिवार में, सबके मन में रही है। और राहें आसान हो या ना हो, लेकिन हमेशा डटे रहकर अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करते रहने में ही जो एक खुशी मिलती है और एक संतोष मिलता है, उसका मुझे लगता है कि कोई द्वितीय नहीं है। तो इसी तमन्ना के साथ और आज इस सफलता के मुकाम को जो पाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे अच्छा करें ताकि सबके अच्छे पल में और दुआ में उनका नाम रहे।